Hey guys, this is Nakul Sharma. Welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Healthkart का एक प्लांट प्रोटीन है. Healthkart ने एक प्लांट प्रोटीन लॉन्च किया था कुछ समय पहले. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड उसकी अमीनो प्रोफाइल से लेकर उसकी मिक्सेबिलिटी तक हम एक एक चीज चेक करेंगे. तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है Healthkart का प्लांट प्रोटीन. अगर इसकी हम पैकेजिंग की बात करें तो एक नॉर्मल सी सिंपल सी पैकेजिंग है इसकी. देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट. बट अगर इसकी हम क्वालिटी की बात करें तो प्रोटीन क्वालिटी, अगर एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसकी वे प्रोटीन से क्वालिटी हम कंपेयर नहीं करेंगे. बट उसके अगर हम इफेक्ट्स की बात करें तो वंस अगेन उसको आप वे प्रोटीन के साथ या फिर एक आइसोलेट प्रोटीन के साथ आप कंपेयर उसको ना ही करें तो बेटर रहेगा. प्लांट प्रोटीन की जहां तक बात है, इसको लेने का मेरा एक रीजन सबसे बड़ा ये था कि हमें हमारे जो प्रोटीन के सोर्स हैं हमें वो वेरी करते रहने चाहिए. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक प्लांट प्रोटीन जरूर ऐड करना चाहिए अपनी डाइट में. एक फुल डे ऑफ ईटिंग जो आपका होता है या आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको ट्राई करना चाहिए कि जितने डिफरेंट सोर्सेज से आप उसको ले सकें अपना प्रोटीन जो है. अगर आप एक ही सोर्स से ले रहे हैं तो आपकी अमीनो प्रोफाइल जो है वो आपकी फिक्स रहेगी. आपको अमीनो प्रोफाइल में कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा एंड उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम इतनी नहीं होने वाली. अगर आप वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपकी मोस्टली आपको अमीनो एसिड्स आपके वहां से मिल जाएंगे. बट स्टिल अगर आप उसमें अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको प्लांट प्रोटीन जरूर ऐड करना चाहिए. अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी अमीनो प्रोफाइल से. इसमें आपको एसेंशियल अमीनो एसिड्स से लेके सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स तक सब कुछ मिल रहा है. अगर उसकी हम क्वांटिटी की बात करें, उसकी हम मात्रा की इसमें बात करें, तो वो आपको वे प्रोटीन के कंपैरेटिवली कम देखने को मिलेगी. इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है एंड अमीनो प्रोफाइल आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी उसकी. बट आपको एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें जरूर मिल रही है. अगर सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात करें तो आरजी9 भी आपको इसमें मिल रहा है. आरजी9 आपको इसमें 428 मिलीग्राम्स मिल रहा है. एक नॉर्मल प्रोटीन में आपको हो सकता है वे प्रोटीन में इससे ज्यादा देखने को मिले, बट सिंस ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो आपको इतना जो मिल रहा है दैट इज मोर देन इनफ. तो चलिए अब बात करते हैं इसकी सर्विंग साइज की. इसकी स्कूप में आपको दिखाता हूँ. इसकी 10 ग्राम की स्कूप है और उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है. इसका मतलब है कि आपको 80% इसमें प्रोटीन मिल रहा है. इसकी स्कूप आपकी देखने में इतनी है, काफी छोटी है एक नॉर्मल वे प्रोटीन से, क्योंकि उसकी एक स्कूप आपको 30 ग्राम से लेकर 33 ग्राम्स, कई ब्रांड्स की तो 40 ग्राम्स की भी आती है. बट इसमें सिंस आपको 10 ग्राम की मिल रही है तो आप कितने स्कूप्स आपको लेने हैं उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं. पहले मैं आपको एक बार प्रोटीन का टेक्सचर दिखा देता हूँ इसका. ये देखिए, काफी फाइन क्वालिटी का प्रोटीन है इसका. तो गाइस, जैसा कि इसका आप टेक्सचर देख चुके हैं, काफी फाइन टेक्सचर था इसका. बट स्टिल मैं आपको मिक्सेबिलिटी नियर दी एंड मैं आपको वीडियो में एक बार दिखा दूंगा एंड आप देख सकते हैं कि इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी होगी. इसको मैं पर्सनली 2-3 हफ्ते से यूज कर रहा हूँ एंड जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी प्रोडक्ट, प्रोटीन हो चाहे बीसी हो या फिर प्री वर्कआउट क्यों ना हो, मैं कोई भी प्रोडक्ट बिना यूज किए रिव्यू नहीं करता हूँ. इसको मैं यूज करके ही रिव्यू कर रहा हूँ एंड रिजल्ट्स पे मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो रिजल्ट एक सिंगल बॉक्स ऑफ प्रोटीन आपका रिजल्ट जो है वो डिटरमाइन नहीं करेगा. आपका जो रिजल्ट्स है वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पे भी एंड आपकी बाकी जो नेचुरल डाइट है उस पे भी डिपेंड करेगा. तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इसमें हमें नंबर ऑफ सर्विंग्स कितनी मिल रही हैं. ये 1 kg की पैकिंग है एंड इसमें आपको 100 सर्विंग्स मिल रही हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था 10 ग्राम की इसकी स्कूप है तो ऑब्वियसली आपको 1 kg की पैकिंग में 100 सर्विंग्स ही मिलने वाली है. बट सिंस आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है इसमें 10 ग्राम की सर्विंग में, तो बायो अवेलेबिलिटी की जहां पे हम बात करते हैं तो वहां पे आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होंगे इससे. उसके बाद अगर हम आए इसकी टाइमिंग्स पे, आपको ये कब कंज्यूम करना चाहिए, तो सिंस ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है एंड इसकी अमीनो प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा आप पोस्ट वर्कआउट ना लें एंड मॉर्निंग में भी आप ना लें, क्योंकि जैसे ही आप सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी प्रोटीन की क्रेविंग होती है बॉडी को एंड हमें प्रोटीन इनटेक जितना ज्यादा हो सके करना चाहिए. सिंस इसकी डाइजेशन थोड़ी सी स्लो होगी तो आपको ये मॉर्निंग में भी नहीं लेना चाहिए. बट इसकी डाइजेशन स्लो है, इस चीज को आप एक अच्छे वे में यूज कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसको आप जस्ट बिफोर बेड सोने से पहले आप इसको ले सकते हैं. पानी में अगर आप लेंगे तो इसकी आप 3 सर्विंग्स लें एक टाइम पे, मतलब कि 30 ग्राम्स आप इसको पाउडर को यूज करें, उसमें आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा. बट आप इसको अकेले ना यूज करें मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसकी अमीनो प्रोफाइल अगेन इतनी स्ट्रांग नहीं है. इसमें मैं पर्सनली इसको सोने से पहले जब भी यूज करता हूँ मैं इसमें ग्लूटामाइन की एक स्कूप डाल लेता हूँ अलग से. ग्लूटामाइन सप्लीमेंट का भी मैं एक अलग से रिव्यू करूंगा जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ. बट अभी हम बात करते हैं इसकी कंजप्शन की.
आप इसमें अगर पानी में ले रहे हैं तो 3 scoops इसकी, एंड अगर एक 5 ग्राम की या 3 ग्राम की आप एक स्कूप ले रहे हैं ग्लूटामिन की, तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपका रात को मसल रिकवरी में भी हेल्प करेगा। इससे आपकी अमीनो प्रोफाइल थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट सिंस ग्लूटामिन इज नॉट एन एसेंशियल अमीनो एसिड, अगर आपको लग रहा है कि वो आप नहीं लें तो भी काम चलेगा, बट वर्कआउट करते हुए आपको, अगर आप वर्कआउट करती हैं, जिम जाते हैं, तो आपको ग्लूटामिन की जरूरत है। उसकी नीड्स में मैं अलग से एक वीडियो करूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा आपको दिन में कितने ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन आपको कंज्यूम करना है अलग से, एंड नेचुरल डाइट से आपको कैसे लेना है उसकी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट फिलहाल हम इस वीडियो पे वापस चलती हैं, एंड इसकी सर्विंग्स की जहां तक बात है, अगर इसको आप दूध के साथ ले रहे हैं तो आपको 2 scoops आर मोर देन इनफ। 2 scoops आप इसके लेंगे तो 16 grams ऑफ प्रोटीन आपको वहां से मिलेगा, एंड अगर आप 200 ml दूध में इसको ऐड करेंगे तो आपको अराउंड 6 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिल जाएगा। जहां तक है दूध की बात है, तो ये भी मैटर करेगा कि आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं या फिर पैक्ड मिल्क ले रहे हैं, बट जो आपका सोर्स ऑफ मिल्क है, अगर आप पैक्ड मिल्क ले रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट भी डिफरेंट मिलेगा। अगर आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क होगा पैक्ड मिल्क में, टोन्ड मिल्क में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, नियर अबाउट 6 ग्राम प्रोटीन 200 ml ऑफ मिल्क में, एंड अगर आप फ्रेश मिल्क ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है वेरी करे, थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम 6 ग्राम लेके चलते हैं रेफरेंस के लिए। 16 ग्राम्स आपको यहाँ से मिल रहा है, 6 ग्राम आपको दूध से मिलेगा, जो कि आपको बिफोर बेड इज मोर देन इनफ। तो अगर इसको आप सोने से पहले कंज्यूम करते हैं तो पूरी रात आपकी जो बॉडी में प्रोटीन की सप्लाई है वो धीरे धीरे आपको डाइजेस्ट होता रहेगा, स्लो डाइजेशन की वजह से आपको सुबह उठने तक इसकी डाइजेशन थ्रू आउट द नाइट आपको होती रहेगी। तो गाइस अगर अब हम बात करें इसके फ्लेवर की, तो ये एक अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, मैंने अनफ्लेवर्ड मंगाया था, इसमें आपको फ्लेवर्ड हो सकता है इसका वेरिएंट मिले शायद ना मिले, मैंने इसके बारे में रिसर्च बिल्कुल भी नहीं की है। एंड अगर इसके हम टेस्ट की बात करें, तो सिंस ये एक अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है तो इसका टेस्ट आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा भी स्वीटनर इसमें एडेड होंगे, बट दैट बीइंग सेड इसका टेस्ट गंदा नहीं है, इट डजंट टेस्ट बैड एट ऑल। आप इसको दूध में भी ले सकते हैं चाहे पानी में भी ले सकते हैं, पर्सनली मैं इसको पानी में ले रहा हूँ एंड टेस्ट इसका खराब नहीं है। तो टेस्ट की जहां तक बात है, आप इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, बुरा नहीं है बट अच्छा भी नहीं होगा, एक न्यूट्रल टेस्ट इसका मैं कहूंगा। तो अगर टेस्ट को मैं रेटिंग देना चाहूँ इसमें, तो 10 में से मैं 5 या 6 के आसपास दूंगा, बट अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो ये जो इसका टेस्ट है इतना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसका प्राइस आपको, ये मैंने 1000 में खरीदा था 1 kg की पैकिंग, एंड इसमें मुझे 800 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि ये 80% इसकी जो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी है इसमें, 1000 रुपये में आपको 800 ग्राम इसमें प्रोटीन मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी एक क्वांटिटी है। इसलिए टेस्ट की साइड हम ना जाएं तो बेटर रहेगा, अगर आप एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन चाहती हैं तो आप इसको ज़रूर ले सकती हैं। बट एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे इससे अकेले आपको रिजल्ट मिलेंगे तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, आप इसको एक सेकेंडरी प्रोटीन सोर्स की तरह यूज जरूर कर सकती हैं, बट इसको आप एक अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन ले रही हैं तो वो गलत होगा। दिन में आप बोलेंगे कि अगर मैं तीनों टाइम यही लूंगा, पोस्ट वर्कआउट भी यही लूंगा, सुबह उठ के भी यही लूंगा, तो उससे आप प्रॉब्लम जरूर फेस कर सकते हैं, हो सकता है आपको ब्लोटेड फील हो थोड़ा सा, क्योंकि इसकी डाइजेशन स्लो है। बट जहां तक बात है कि इसको सेकेंडरी सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज करने की, तो वहाँ पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन आप यहाँ पे कंज्यूम कर पाएंगे, एंड ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो इसलिए कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अब आते हैं इसकी मिक्सेबिलिटी में, मैं आपके सामने इसको मिक्स करके दिखाऊंगा आपको, एंड देखते हैं ये अच्छे से मिक्स हो पाता है कि नहीं। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक टाइम पे मैं इसके 3 scoops लेता हूँ, तो मैं अभी इसको एक प्रोटीन के एज सर्विंग ही यूज कर लेता हूँ, वीडियो के बहाने चलो मेरा प्रोटीन भी मैं ले लूंगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसमें 3 scoops डाली थी, 200 ml पानी मैंने लिया था, अब इसमें मिक्स करके हम देखते हैं कितने टाइम में मिक्स हो जाता है अच्छे से। देखिए गाइस ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, आई डोंट थिंक इसमें आप देख पाएंगे, इसलिए मैं इसको एक ग्लास में डाल के आपको दिखाऊंगा। ये नियर अबाउट 200 ml था। इसके अगर टेक्सचर की बात करें तो देखिए थोड़ा सा थिक देखने में लग रहा है ये,
एंड इसका टेस्ट अभी मैं आपके सामने एक बार आपको पी के भी दिखाऊंगा, बट आप इसकी मिक्सेबिलिटी देखिए, इसमें आपको बिल्कुल भी कहीं पे भी, मैं आपको पूरा घुमा के दिखाता हूँ, आपको लम्स देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, तो इसको मैं मिक्सेबिलिटी में 10 out of 10 दूंगा। अब इसके टेस्ट की एक बार फिर से बात करते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, इसका टेस्ट अच्छा नहीं कहूंगा मैं, बट बुरा भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको 5 से 6 points भी दिए थे वहां पे। इसका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है, जैसा कि आप नॉर्मल अगर आप दूध पीते हैं, फीका दूध, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप उससे इसको कंपेयर कर पाए उस टेस्ट के साथ। उसके अलावा इसमें आपको कोई भी एडिड फ्लेवर नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आपको टेस्ट ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप टेस्ट के साथ ना रखें तो बेटर रहेगा। बट मिक्सेबिलिटी एंड इसके जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में अभी तक जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आपको एक नॉर्मल रिजल्ट इससे देखने को मिल सकता है। गाइज अगर अब इस वीडियो का हम समराइज करें, तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी इसकी अमीनो प्रोफाइल की, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसको आप कब ले सकते हैं और कैसे लेना है आपको, फिर हमने डिस्कस किया था इसके रिजल्ट्स के बारे में, एंड देन हमने बात की इसके मिक्सेबिलिटी और इसके टेस्ट के बारे में। इन शॉर्ट मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक फ्लेक्सिबल बजट है, आपके पास 1000 to 2000 rupees स्पेयर करने के लिए है, तो आप इसको जरूर ले सकते हैं अपने वे प्रोटीन के साथ। तो गाइज अगर आपको बजट इश्यूज हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक जो इससे बेटर क्वालिटी प्रोटीन, नॉर्मल वे प्रोटीन जो आप लेते हैं, आप उसी के लिए पैसे सेव करें, क्योंकि इस मंथ अगर आपने प्रोटीन परचेज कर भी लिया है, तो नेक्स्ट मंथ आपको वापस से परचेज करना है सप्लीमेंट। अगर आप ये भी ले रहे हैं, तो वहां के लिए हो सकता है आपको शॉर्टेज हो, बजट इश्यूज हो, तो इसलिए आप यहाँ पे पैसे स्पेंड ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपके पास एक फ्लेक्सिबल बजट है, तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा एडिशन आपके उसमें हो जाएगी प्रोटीन इनटेक में, जो आपका डेली प्रोटीन इनटेक है उसमें आप थोड़ा सा और एड ऑन कर सकते हैं प्रोटीन, इस प्लांट प्रोटीन को। एंड जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियोज में भी बोला है कि एक सिंगल सप्लीमेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा, आपको सब चीजों का ध्यान रखना है, अपने वर्कआउट से लेकर राइट न्यूट्रिशन का। तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रोटीन को लेके या कोई और प्रोटीन लेके आपकी बॉडी एक महीने में आप अच्छा मसल गेन करेंगे, मसल साइज, मसल मास गेन करेंगे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। उसके अलावा आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, जब तक उसके क्वालिटी इश्यूज नहीं है, वो एक ऑथेंटिक सोर्स से, ऑथेंटिक डीलर से आपको मिलना चाहिए। अदर देन दैट आपको कोई भी इश्यूज नहीं होने वाले हैं, प्रोटीन पाउडर से आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होने वाले हैं, तो इफ यू हैव अ फ्लेक्सिबल बजट, यू कैन गो फॉर इट। एंड गाइस अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे उनको ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए, तो उन्हें भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।